तो so, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों एक सी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में फ़ेल होता है इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को समझ लिया मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके अपकमिंग्स मई 2022 के एग्ज़ाम्स में जितना भी समय रह गया है आप उसको इफ़ेक्टिवली एंड एफिशेंटली यूज़ कर पाओगे क्यों एक सी ए स्टूडेंट्स इस डेढ़ से दो महीने में डिस्ट्रैक्ट होता है क्यों सी स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हो पाती है क्यों सी स्टूडेंट्स इस बात अपने माइंड को समझा नहीं पाता है कि अगर मैंने ये 45 टू 40 50 डेज अगर मैंने सही तरीके से दे दिए अपने एग्जाम्स में तो रिजल्ट्स मेरे फेवर में आएगा तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस क्यों आप अपने डिस्ट्रैक्ट होते हो क्यों आप अपनी स्टडी को अपने दूर ले जाते हो जहाँ तक आपको इतना अच्छा खासा स्टडी आपका चलता रहता है आप क्यों अपने स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और क्यों आप चीज़ों को अपने आप में इवोल्व नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैं आपको डेली चीज़ें कुछ नई से नई चीज़ें मैं आपको देता रहूंगा और आपको चैनल पे बेल आइकन जो है वो आप उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू हर चीज़ अपडेट्स मिल जाए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है आप ज्वाइन भी कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ सी ये आपको प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है दैट इज़ मोबाइल फ़ोन हमारा फ़ोन दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन मेरी वर्ड्स को ध्यान रखना मैं क्या बोलूँ डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन तो जो डिस्ट्रेक्शन है ना वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है हमें क्यों क्योंकि हम क्या करते हैं हम कोई भी चीज़ है हम यूट्यूब पे अगर कोई किसी फैकल्टी को फॉलो कर रहे हैं अपने एग्जाम्स में तो वो फैकल्टीज़ को हम यूट्यूब पे देखते हैं कि चलो देख लेते हैं कि इसका क्या है और उसके बाद हम यूट्यूब से हम जिस पर्पस के लिए आए जिस पर्पज़ के लिए हमने फ़ोन उठाया हम क्या करते हैं उस पर्पज़ को तो भूल ही जाते हैं और अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेते हैं अपनी दूसरी चीज़ों की तरफ मुड़ जाते हैं और कब हमारे डेढ़ से दो घंटे निकल जाते हैं वो हमें पता भी नहीं लगता तो मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में आप किस तरह से अपनी चीज़ों को इवॉल्व अच्छे तरीके से कर सकते हैं इस फोर्टी टू फोर्टी फाइव डेज को कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो माई डियर ऑल सी स्ट्रेंड आपको सबसे पहले काम क्या करना है आपको अपना मोबाइल जो है ना फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो या जिसका रिचार्ज है ना आप वो रिचार्ज मोबाइल मतलब आपका रिचार्ज अगर नहीं हो रहा है तो रिचार्ज मत कराइएगा अगर आपने रिचार्ज कराया तो आप नेट भी चलाएंगे आपको कॉल्स भी आएंगी आपकी चार रिचार्ज ही मत कराओ और इनकमिंग कॉल्स वगैरह जो है वो बंद करवा दो डेढ़ से दो महीने के लिए आप ये सब काम करके देखो अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरी है तो अपने घर वालों का मेंबर फैमिली मेंबर्स का कुछ भी मोबाइल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो छोटा मोबाइल ले लो या फिर अपना कोई भी आपको यूट्यूब से देखनी है कुछ भी वीडियोस तो उसको डाउनलोड करके रख लो मैं आपको बताता हूँ ये फ़ोन आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा फ़ोन से दिक्कत है सी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत फेलियर का रीज़न यही बनता है कि रीज़न इज़ दैट कि दैट इज़ फ़ोन डिस्ट्रैक्शन अपने जब पढ़ाई करें तो फ़ोन को अपने पास मत रखें फ़ोन को या तो फ्लाइट मोड पे लगा दें कहीं दूर रखो उसके पास से क्योंकि ये फ़ोन जो है ना आपकी जितनी भी क्योंकि देखो ये आपको पास्ट में भी देखने को मिल जाएगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद आप मोबाइल उठा लेते हैं मोबाइल ले को नहीं देखना चाहिए 40 से 45 डेज जैसी हमने स्टडी करी 10 मिनट्स फिफ्टी मैक्सिमम फिफ्टी मिनट्स का ब्रेक लो माइंड को ब्रशअप करो माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो माइंड भी एक मशीन है आप अगर उस चीज़ को रिलैक्स नहीं करोगे ना तो वो माइंड एकदम से आप दो से तीन घंटे पढ़ने बैठ जाओगे उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन आन रोगे आपने मोबाइल को अपने मतलब माइंड को रिलैक्स कहाँ दिया पहले आपने पढ़ाई कर ली उसके बाद आप मोबाइल उठा के बैठ गए वो माइंड और इंगेज हो गया तो माइंड तो बिल्कुल टायर्ड हो गया अब आपको ऐसा लगेगा नहीं यार अब नहीं होगा बिल्कुल इस तरह से नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं हो पाएगी एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे आप तो प्लीज़ मेरी बातों को फॉलो करना ये जो मैं आपको मोबाइल बता रहा हूँ ना आप इसे प्लीज़ डेढ़ से दो महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दो कि भैया ऐसा तो समझो कि मोबाइल है ही नहीं घर में ठीक है और ज़्यादा ज़रूरी है तो फैमिली मेम्बर्स को यूज़ करो और उसके बेसिस पर उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करो करके देखना डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में आएगा सो माई लविंग ऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो थैंक थैंक्स लॉट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो इन गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ़ यू